काजल की कमी है, काजल नहीं लगा है तो भाभी भकिया के दौरे पड़ो, कमी छोड़ दी तुमने, अब देखा नहीं, जल्दी जाओ काजल लेके आओ, देर हो रही है, अब भाभी काजल लगा रही है, समझ आ रही है, मान जा ओ मते जा, लेकिन नहीं मान रहा हुआ ऐसा कछुठारी गाय नहीं तरे मा जाए मरिया बोली भाभी जो धरे दे मोर उतारे रही उचारे धरो नहीं गट्टा पांतोई दूला ये कनारे परे वो रट्टा बांधोई दूला ये कनारे फसे गो रट्टा इसलिए ना मिली है बरती मिली प्यारी है जानेगी शान तुम्हारी शिव पहाड़ी इस पे दारी है दे ताशी खमानो हमारी पागल हो गई हो तुम सुन भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला सुन भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला और मेरो का कर सके नंद को लाला चिंता काय को कर रही है भाभी जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा उधर से दुल्हन नहीं लाऊंगा तैयार रहो कब अभी गए अभी आ रहे हैं बहुत जल्दी में है सस्पाल देखिए आज लेके जिस समय आगे बलाए बहन अरे करके श्रृंगार दूल्हा डालो झंडा घोड़ा पे वो सवार पर जैसे ही कदम धरो तो आगे सबों का छींगा तला मोखा मतलब है भक्तो चारों तरफ से कुंदनपुर की धरती को फौज ने घेर लिया खबर मिली है भीष्म को ससवाल बारात लेके आ गया तो आंगन में बैठ करके रोने लगे इस कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा बैठे बैठे रो रहे हैं और उधर रुकम बड़ा मगन हुआ लेकिन जब रुक्मिणी को ये खबर मिली है कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया ऐसा कलेजा पे बज सा लगाए जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी पछाड़ खा के आंगन में गिर गई श्याम ये क्या हुआ मैंने तो बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर मैंने तो बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम लेकर हमारा भाई हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया मर जाऊंगी लेके ससपाल के साधर के नहीं जाऊंगी।